हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 91, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 19 अक्टूबर 2020। ये वर्कशीट क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है। अगर आपका सेक्शन ए है तो आप ए लिखेंगे, और अगर आपका सेक्शन बी है तो आप बी लिखेंगे। और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। प्यारे बच्चों, आज हम कुछ अक्षर और आवाज़ों के साथ काम करेंगे। तो आज हम कौन कौन से अक्षर पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं क, प, ज और ग, ठीक है। आज हम आपके लिए कुछ चित्र लेकर आए हैं। आओ इन्हें पहचान कर इनका नाम बोल कर देखें। कछुआ, कलश, पपीता, पत्ता, जलेबी, जहाज, गमला, गधा। क्या आप इन चित्रों की पहली आवाज़ को पहचान पाए? बिल्कुल सही, कछुआ और कलश में पहली आवाज़ किसकी है? क की है। कछुआ, कछुआ, और ऐसे ही कलश, कलश। तो पहली आवाज़ कौन सी आई? क की आई। ऐसे ही पपीता और पत्ता में सबसे पहली आवाज़ किसकी आती है? प की आती है। पपीता, पत्ता, जलेबी और जहाज में सबसे पहली आवाज़ ज की आती है। जलेबी, जहाज, ठीक है। अगला देखिए, गमला और गधा में सबसे पहली आवाज़ ग की आती है। गमला, गमला, ऐसे ही गधा, गधा। तो पहली आवाज़ किसकी आ रही है? ग की आ रही है। प्रश्न दो, चलिए इन अक्षरों से जुड़े और शब्द सोचते हैं। जैसे क से कपड़ा। तो जब मैं कपड़ा बोल रही हूँ तो पहली आवाज़ किसकी आ रही है? क की आ रही है। ऐसे ही कलम। तो कलम में भी पहली आवाज़ किसकी आ रही है? क की आ रही है। कलम, कलम। प, प से पतीला, पतीला। तो जब मैं पतीला बोलती हूँ तो पहली आवाज़ किसकी आ रही है? प की आ रही है। ऐसे ही पपीता, पपीता। तो जब मैं पपीता बोलती हूँ तो पहली आवाज़ किसकी आ रही है? प की आ रही है। अगला है ज। तो ज से जल, जल। जब मैं जल बोलती हूँ तो पहली आवाज़ किसकी आ रही है? ज की आ रही है। ज, ल, जल। ऐसे ही जग, जग। तो जब मैं जग बोलती हूँ तो पहली आवाज़ कौन सी आ रही है? ज की आ रही है। ज, ग, जग। ग, ग से गर्दन, गर्दन। तो जब मैं गर्दन बोलती हूँ तो पहली आवाज़ किसकी आ रही है? ग की। ग, र, द, न, गर्दन। ऐसे ही गमला, गमला। तो जब मैं गमला बोलती हूँ तो पहली आवाज़ किसकी आ रही है? ग की। ग, म, ला, गमला। प्रश्न तीन, चित्र पहचान कर पहला वर्ण अपनी कॉपी में लिखिए और चित्रों में रंग भरिए। तो बच्चों, आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको इन चित्रों को पहचानना है और पहचान कर इनका जो पहला वर्ण है उसे अपनी कॉपी में लिखना है और इन चित्रों में रंग भी भरना है। तो देखिए, पहला चित्र है कपड़ों का, इसीलिए इसमें पहला वर्ण क्या हुआ? क। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है क, ठीक है। दूसरा चित्र देखिए, दूसरा चित्र है पतंग का। तो पतंग में पहला वर्ण क्या हुआ? प। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प। ऐसे ही आपको बाकी चित्रों को पहचानना है और उसके बाद उनका पहला वर्ण लिखना है, ठीक है। प्रश्न चार, नीचे दिए गए अक्षरों को देखकर अपनी कॉपी में लिखने का अभ्यास करें। तो बच्चों, नीचे आपको चार अक्षर दिए गए हैं,
इन अक्षरों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इनको लिखने का अभ्यास करना है। और ये कौन कौन से अक्षर हैं? क, ग, प, ज। ठीक है, इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।